जय भीम, हम लोग खड़े हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर राव जी। जय भीम। राव जी, आज जहां पूरे देश में एट्रोसिटी आंदोलन चल रहा है, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, एक मनुवादी सोच के तहत हमें टारगेट बनाया जा रहा है, और ऐसी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के द्वारा आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, इस जिम्मेवारी को लेते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम मेरे वो साथियों को जिन्होंने 2 अप्रैल को सारा भारत बंद कराया था, और उन शहीदों को मैं नमन करना चाहूँगा जो 2 तारीख को 2 अप्रैल के इस बंद में अपनी जान गवा बैठे हैं। बात ऐसी है कि आज देश की वर्तमान स्थिति का जायजा अगर हम लेने जाएं, तो कभी उना की घटना होती है तो कभी रोहित में उन विमला जैसे हमारे छात्र भाई को खुदकुशी करनी पड़ती है, तो कहीं भारत बंद होता है उसमें जो जब हमारे नौजवान साथी पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, इनको उनके घरों से बाहर निकालकर पीटा जाता है, झूठी केसेस लगाई जाती है और उनको जेल में ठूस दिया जाता है। तो दूसरी तरफ जो बच्चे हमारे, जो छोटे भाई हमारे, जो पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, उनको कहीं स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनकी फ्रीशिप नहीं मिलती, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने अपनी बजट में भी बड़े पैमाने पे कटौती कर रखी है, सोशल बजट उनका नहीं के बराबर बजट रहा है, जिसके वजह से ये सारी बातें उनको सहनी पड़ती है, और आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा से उनको वंचित होना पड़ रहा है। यह तमाम बातों को अगर हम गौर करने की अगर कोशिश करेंगे, फिर चाहे रिजर्वेशन का मामला क्यों ना हो, अभी अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में या अखबारों के माध्यम से जानने की कोशिश की होगी कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन जैसी संस्था ने अपने एक प्रस्ताव में केंद्र सरकार को लिखा है कि जो रिजर्वेशन भरा जाता वो रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशन के स्तर पे ना भरते हुए, विद्यापीठ के स्तर पे ना भरते हुए, वो एक डिपार्टमेंट के तहत एक यूनिट करके भरा जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारी रिजर्वेशन की जगह कम हो जाएगी, मैक्सिमम लोगों को नौकरियों से दूर हटना पड़ेगा। ये तमाम बातें हमें एक लक्ष्य की ओर पहुंचाती है कि यह सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार, यह यहाँ पर हमारे देश के अंदर भारत में, जो भारत परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत था, जो भारत महात्मा गांधी जी का भारत था, जो भारत नेहरू जी का भारत था, यह भारत को उसकी छवि बिगाड़ने में लगे हुए, उसके संविधान को कमजोर करने में यह केंद्र की सरकार लगी है। इसलिए यह लग रहा हमें कि आज इस देश का दलित समाज, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का अल्पसंख्यक समाज, उनके दिल में एक प्रकार का सा डर, एक खौफ पैदा हो गया है कि हम, हमारी देश में असुरक्षित क्यों है, हमारे घर में अगर पैसा रखते हैं तो वो पैसा सुरक्षित नहीं, बैंकों में पैसा रखते हैं तो वो सुरक्षित नहीं, तो फिर सुरक्षा किस बात की हमको है? हमको कहीं तो भी सोचना पड़ेगा। आज का जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग को सोचना पड़ेगा कि हमें कौन से भारत में जीना है, कैसे भारत में जीना है। जो सुरक्षित भारत था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत था, जो नेहरू जी का, महात्मा गांधी का भारत था, उस भारत में हमको रहना है कि आज जो RSS की विचारधारा को प्रवृत्त करने वाली, RSS के विचारधारा को मानने वाली भाजपा सरकार के भारत में रहना है, ये विचार करने की आज आवश्यकता है। और इसीलिए आने वाले 23 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के तहत
हमारे अनुसूचित जाति विभाग ने यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे से संविधान बचाओ राष्ट्रीय अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका शुभारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी करने वाले हैं। मैं आप तमाम लोगों से इस माध्यम के द्वारा निवेदन करना चाहूँगा, आइए और भारत को एक सुरक्षित भारत बनाने में हमें सहयोग दे। धन्यवाद। जय भीम। नितिन राव जी, जहाँ एक और यहाँ आपने बताया कि अल्पसंख्यक द्वारा, बहुजन समाज द्वारा एक डर का माहौल सरकार क्रिएट कर रही है, साथ में ही हमारे घर की माता महिलाएं बहनें भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। छोटी छोटी बच्चियों का मंदिर जैसे जगह पर बलात्कार हो रहा है। इस बात को लेकर जो हमारी जो सरकार है बिल्कुल असंवेदनशील हो गई है, उनकी संवेदना कहीं मर गई है, इस बात को लेकर क्या आपके नेतृत्व में पार्टी यहाँ पर आंदोलन करने जा रही है? देखिए, पार्टी तो अपना काम करेगी जी। पार्टी, जो पार्टी इस देश में सेकुलरिज्म को मानती है, समाजवाद को मानती है, जो पार्टी धर्मनिरपेक्षता को मानती है, जो पार्टी भारतीय संविधान को मानती है, वो निश्चित रूप से यह आंदोलन किए बगैर रहेगी नहीं। वो तो करने से कभी बाज नहीं आएगी, और उसी प्रकार के आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी आज कांग्रेस पार्टी के तहत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने सही समय पर SC ST एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि उन्होंने राज्यसभा में, लोकसभा में भी उसकी आवाज़ बुलंद कराई, राष्ट्रपति को निवेदन दिया, और संसद के अंदर उन्होंने धरना कार्यक्रम प्रदर्शन कर भी इस आवाज़ को ऊपर उठाने में पूरा जिम्मेदारी संभाली, और जिस कारण के वजह से पूरे देश में एक प्रकार की संवेदना बन गई और 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया, ये इसी बात का द्योतक है। अच्छा, यहाँ तक वे रुके नहीं, तो 4 तारीख को फिर से आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया दिल्ली में, और अभी अभी आपने देखा होगा कि राहुल जी जिस प्रकार से माध्यमिक को जरिए एक यूपी में, उत्तर प्रदेश में बच्ची का बलात्कार होता है, कश्मीर में बच्ची का बलात्कार होता है, राहुल जी ने कैंडल मार्च निकाला, हजारों की संख्या में लोग रात को कैंडल हाथ में लेकर गेटवे ऑफ इंडिया पे गए, ये इसी बात के तरफ उंगली निर्देश कर रहा है कि एकमात्र नेता इस देश में आ जाए वो कांग्रेस का नेता श्री राहुल गांधी है, कि जिसमें कुछ तो भी संवेदनशीलता है, दिखती है, और वो निश्चित रूप से इस देश का नेतृत्व करने के लायक है। और नितिन राउत साहब, जहाँ एक और बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान से देश चल रहा है, और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने प्रावधान किया हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं कुटाराघात हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सर्वोच्च न्यायालय का जो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, क्या इस पे के पीछे आपको साजिश नहीं थी, बाबा साहब का संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है? ये तो मैं नहीं कह रहा, भारत का उच्चतम न्यायालय, उसके चारों न्यायमूर्ति महोदय ने जिस प्रकार से अपनी परंपरा को छेद देते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी दिली हकीकत बयान की, वो दिली हकीकत ये बताती है कि न्याय संस्था में भी सरकार का हस्तक्षेप है। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि SC ST का जो कानून है, जो प्रावधान है, उसको कमजोर करने की भी साजिश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का पूरी तरीके से हाथ है। अगर यह हाथ नहीं होता तो छत्तीसगढ़ जैसे सरकार ने तुरंत इस कानून पर अमल नहीं किया होता। आज देखिए आप, पुनिया जी का बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उस निर्णय का अमल करना जारी हो चुका है। ये बात इसी तरफ हमको बार बार कहने को मजबूर कर रही, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला संसद के सामने है और वे संसद के तरफ उंगली दिखा रहे हैं कि यह वही संसद है जो संविधान से चलेगी, लेकिन आज मजबूरन वो संविधान के साथ साथ उस संसद में भी कहीं तो भी एक दूर दराज की रेखा खींची जा रही है, और वो रेखा कुछ नहीं,
तो भारतीय जनता पार्टी का जो मेंटर है, जो दिलो दिमाग से जिन उनका जो पेरेंट बॉडी आरएसएस है, उनका जो छुपा हुआ एजेंडा है, उस छुपे हुए एजेंडा को, मनुवाद को इस देश में लागू करने का षड्यंत्र पूरी तरीके से रचा जा रहा है और उसके तहत ही 2019 की तरफ भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है। इसलिए हम सब लोगों को, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे मेरी माताएं हो, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे दोस्त हो, सबको गौर करना पड़ेगा कि आज की यह सरकार, ये दमनकारी सरकार है। इस दमनकारी सरकार को हमें रोकना है, रोकना है, रोकना है। नितिन राउत सर, जहां एक बार संविधान खतरे में और आपके द्वारा जब आपको इतना चैलेंजिंग पद मिला है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, आपके नेतृत्व में संविधान बचाओ आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है, जिसका उसके बारे में बताइए कि क्या ये आंदोलन है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आने वाले 23 तारीख को सोमवार सुबह 10 बजे से तालकटोरा स्टेडियम में संविधान बचाओ राष्ट्रीय अभियान का प्रारंभ हो रहा है। तमाम भारतवर्ष से, सभी प्रदेशों से, जिले जिलों से प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी के दलित, अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे शामिल, इसमें शामिल होने के लिए अभी से दिल्ली के उन्होंने टिकटें निकाली है आने की, और इसमें बड़ा सहभाग भी लेने वाले हैं। पूरा दिन भर का कार्यक्रम है। इसमें मंथना होगी कि संविधान इस देश का जो ग्रंथ है, जो संविधान इस भारत को चलाता है, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए और उसको जिस प्रकार से पिछले 60-70 सालों में संविधान को इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने अमल में लाया, उसी प्रकार आगे भी कैसे अमल में ला सके और उसके लिए जो भी कदम उठाना है उसकी रूपरेखा यहाँ खींची जाएगी। साथ में यह जो संविधान बचाओ अभियान का शुभारंभ दिल्ली में हो रहा है, इस प्रकार के संविधान बचाओ अभियान सारे प्रदेशों में इसके पश्चात किए जाने वाले हैं। मैं हम बताना चाहूँगा आपसे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी इसमें शरीक होने वाले, भाग लेने वाले हैं और वे तमाम हमारे नौजवान और दलित साथियों को यहाँ मार्गदर्शन करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एक संदेश बड़े पैमाने पे देश के अंदर संविधान को सुरक्षित कराने का, इस देश की सामाजिक सुरक्षा को ठीक ढंग से संभालने का, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था स्वतंत्र, समता और बंधुत्व का, भाईचारे का, उस सपने की पूर्तता करने का कार्यक्रम और शुभारंभ यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पे पूरे देश की दलित जनता आज इसके ऊपर नजरें लगाकर बैठी है और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नितिन राउत जी, जो महाराष्ट्र के नागपुर से बहुत बड़ी जिम्मेवारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इनको SC/ST डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है और इनके नेतृत्व में जहाँ एक रिक्त स्थान था दलित नेतृत्व का, वो बहुत बड़े उभर कर आए, क्योंकि पिछले कई दशकों से अंबेडकरी मिशन को एक जो खाली स्थान था उसको भरने के लिए कांग्रेस की ओर से पूरी कोशिश की गई है और जिस पर खरे उतरे हैं, क्योंकि काफ़ी खोजबीन के बाद पूरे देश में चप्पा चप्पा छानने के बाद राहुल गांधी जी ने नितिन राउत जी का चयन किया है, जो अपने आप में गौरवान्वित विषय है, क्योंकि नितिन राउत जी के नेतृत्व में बहुत सारे अंबेडकरी मिशन मूवमेंट्स चले हैं देश में। पूरा नागपुर इस बात का गवाह है कि जब भी नितिन राउत अंबेडकरी मिशन को लेकर चलते हैं तो एक हवा का झोंका उस ओर बहने लगता है और बाबा साहब का जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, उस दिशा में नितिन राउत जी अपना पूरा जीवन लगाने के तैयार बैठे हैं। मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया से कमल ताइडे, कैमरामैन सत्यप्रकाश जी के साथ, दिल्ली।